हेलो दोस्तों, आप लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं वो जानते हैं कि पिछले 6 महीनों से मैं एप्सन का L6460 इस मॉडल को यूज़ कर रहा हूँ और इस प्रिंटर की इंस्टॉलेशन को लेके प्रिंटिंग के हर टाइप की वीडियो मैं आपके साथ शेयर किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं इस प्रिंटर का एक खास क्वालिटी को नोटिस किया जो देख के मैं खुद हैरान हो चुका हूँ। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक को आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सके शेयर कर दो। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आपका एक छोटा सा जेरॉक्स का शॉप है, इधर अपने ऑफिस के लिए एक ऐसा प्रिंटर ढूंढ रहे हो जिससे डेली 200 से 500 फोटोकॉपी का भी काम हो और अच्छा सा HD क्वालिटी का प्रिंट भी हो पाए, तो इस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज अंत तक देखिए। चलो आज देखते हैं एक प्रीमियम ग्लॉसी फोटो पेपर के ऊपर अगर एक HD क्वालिटी का फोटो प्रिंट किया जाए तो इसका क्वालिटी क्या होगा। बट आफ्टर रिजल्ट आई एम शॉक्ड। तो चलिए देखते हैं कैसे आप भी मेरे तरह इस प्रिंटर से एक हाई क्वालिटी का फोटो प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले गूगल से अपने मोबाइल में एक HD क्वालिटी का फोटो डाउनलोड करना पड़ेगा जो आप उसके बाद मेरे द्वारा आपको एक ऐसे 180 GSM का प्रीमियम ग्लॉसी फोटो पेपर यूज़ करना पड़ेगा। जो फोटो पेपर मैं यूज़ किया था, मैंने यूज़ किया था ये कोडैक का 180 GSM का प्रीमियम ग्लॉसी फोटो पेपर। फिर उस फोटो को ऐसे अपने गैलरी से ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको उस फोटो को शेयर ऑप्शन में जाके क्लिक करने के बाद देखिए एप्सन का ये जो ऐप है, एप्सन स्मार्ट ऐप, इस पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली ये फ़ोटो एप्सन स्मार्ट ऐप में ओपन हो जाएगा। फिर क्या करना है, इस फोटो को थोड़ा, इस फोटो का साइज थोड़ा ऐसे छोटा कर लेना है अपने दोनों ही उंगलियों से। उसके बाद आपको ये ऊपर वाला जो सेटिंग्स का जो देखिए एक आइकॉन दिखा रहा है, इधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर से 3 नंबर जो ऑप्शन है, देखिए मीडिया टाइप में जाके आपको ये प्रीमियम फोटो पेपर ग्लॉसी सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको ये जो प्रिंट क्वालिटी है, प्रिंट क्वालिटी में जाके आपको ये हाई में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये देखिए कलर जो है, जैसे ये कलर फोटो निकलेगा तो इसलिए आपको कलर में सेट करना पड़ेगा क्लिक करके। फिर आपको डन कर लेना है बस। उसके बाद आपको ये नीचे वाला जो देखिए प्रिंट का जो बटन दिया है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। तो अभी देखिए मोबाइल से प्रिंट देने के बाद मशीन प्रिंटिंग कर रहा है। अभी देखते हैं इसका कितना टाइम लगता है। इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। देखिए लगभग आधा प्रिंट हो ही चुका है और कितना अच्छा क्वालिटी है। देखिए तो देखिए ये प्रिंट होके बाहर आ गया है फोटो और इसका क्वालिटी देखिए बहुत बढ़िया क्वालिटी है। मेरे को नहीं पता मैं आपको कैमरे से कितना अच्छा दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये फोटो पेपर के ऊपर है, ग्लॉसी फोटो पेपर के ऊपर। तो बजट के अंदर अगर आप एक ऑलराउंडर प्रिंटर ढूंढ रहे हैं तो इस प्रिंटर को एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। इंस्टाग्राम पे SVR Zone का एक चैनल भी मैं क्रिएट किया हूँ, उधर भी जाके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।